सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई एनएचपीसी को लेकर। एनएचपीसी में आप लोग देखोगे एक खबर आते हुए नजर आई है भाई, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कल के दिन आपने देखा होगा भाई, मैंने आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताया था, कॉटेक सिक्योरिटीज़ ने जो ना इसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इसके वैल्यूएशन के ऊपर आने वाले टाइम में थोड़ा सा खतरा देखने को मिल सकता है। और नई टू रिपोर्ट थी भाई वो, उसके बावजूद भी आप लोग देखोगे स्टॉक में तेज़ी रही है, बहुत अच्छी बात है। अभी स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव रहा है 2.5% के आसपास, फिर भी स्टॉक में भाग जो रैली वो देखने को मिली है। तो इसी बीच आप लोग कंपनी की तरफ से भी एक अपडेट आए हैं, उस अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। कंपनी तीन अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं, तीन परियोजनाएँ हैं, उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हुए नजर आई है। जैसा कि आप लोग देखो कॉटेक सिक्योरिटीज ने बताया, उसी प्रकार से कॉटेक सिक्योरिटीज को लगता है कि वैल्यूएशन के ऊपर जो अभी आने वाले टाइम में इसके ऊपर हिट हो सकता है, यानी कि क्या बोलते हैं अभी अटैक आ सकता है इसके वैल्यूएशन पर, यानी वैल्यूएशन टूट सकते हैं। अभी टाइम 25 के आसपास है, तो ये आप लोग देखोगे एक साल के अंदर अंदर ये 18-20 की रेंज में आ जाएंगे 25 से टूटकर। और सिर्फ जो ये सुबनसिरी प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, पार्वती प्रोजेक्ट्स है, उसमें जितने लेट हो रहे हैं, ठीक है, उसके कारण, ठीक है, जितना आप लोगों ने लेट करेंगे उतना इसका जो है वैल्यूएशन के ऊपर खतरा बढ़ेगा। तो ये आप लोगों ने खबरें सामने निकल कर आई है। तो अब आप लोगों ने कंपनी की तरफ से भी फाइनल जो डाटा है वो तैयार कर दिया गया इन सब के ऊपर, तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या खबर है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये खबर हमें मार्केट क्लोजिंग के बाद देखने को मिली है। यहाँ पर देख सकते हो भी 6:30 बजे के आसपास आई है और इसका आपको नोटिस भी मिल जाएगा भाई अगर आप लोग देखना चाहो तो। देखो एनएचपीसी ने दिसंबर 2024 तक जो पार्वती सेकंड हाइड्रो प्रोजेक्ट है कि जो 4 इकाइयों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, तो दिसंबर 2024 में आप लोग देखोगे जो ये पार्वती परियोजना है ना, इसकी पार्वती 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसका आप लोग देखोगे ये एग्जीक्यूट जो भी इसका जो एग्जीक्यूशन है वो कर देगी, यानी इसका जो ना भी समाप्ति कर देगी, इसका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लेगी। 4 इकाइयाँ इसकी चारों की चारों, ठीक है। उसके बाद आप लोग राज्य स्वामित्व वाले एनएचपीसी ने बुधवार को कहा है कि उसकी जो पार्वती सेकंड जल विद्युत परियोजना की सभी 4 इकाइयाँ दिसंबर 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। और एनएचपीसी 800 मेगावाट यानी कि प्रत्येक 200 मेगावाट की 1 इकाई है और ये टोटल 4 है और इसका जो ना भी आप लोग देखोगे परियोजना का निर्माण कर रही है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि परियोजना की 4 इकाइयां दिसंबर 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है भाई। और कंपनी असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना, जिसकी आप लोग देखोगे 250 मेगावाट की 1 इकाई है और टोटल 8 इकाइयां है भैया 2000 मेगावाट की, ठीक है, इसका भी निर्माण कर रही है। इसको भी आप लोग देखोगे भी उम्मीद है कि इनमें से 3 इकाइयों को मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है, 3 इकाइयां मार्च 2024 तक कंप्लीट कर ले यानी एक साल के दौरान, और उसके बाद जो शेष बची इकाइयों को जो ना भी चरणबद्ध तरीके से मई 2026 तक पूरा किया जाएगा। कंपनी ने जो ना भी अपनी 3 परियोजनाओं के बारे में एक अपडेट में कहा है। उसके बाद देखोगे सिक्किम में अपने 500 मेगावाट के तिस्था जो पावर है उसके स्टेशन आप लोग देखोगे भी 3 इकाइयां इसकी भी 170 मेगावाट की एक है, 510 मेगावाट के टोटल है और इसका भी आप लोग देखोगे भी निर्माण चल रहा है। और राज्य के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जो इसकी है तीस्ता पावर, इसका आप लोग देखोगे मर्जर को लेकर भी 30 तारीख को अपडेट आनी है, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग आप लोग खबर आई कि कंपनी ने कहा है कि 788 करोड़ रुपए के नुकसान का प्रारंभिक आकलन किया गया है, यानी कि जो ये सिक्किम वाली है ना भाई, ये परियोजना तीस्ता वाली ये प्रोजेक्ट है, इसका आकलन किया गया है भी ये जो कंप्लीट होगा उस तक का 788 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो यहाँ पर हो सकता है, ये आकलन किया गया है, जिसमें 297 करोड़ रुपए की आप लोग देखोगे सामग्री जो ना भी क्षति होगी और 491 करोड़ रुपए आप लोग देखोगे व्यापार रुकावट के कारण जो ना भी आप लोग देखो जो भी रुकावट आ रही है बीच में भाई, पीछे से पैसे नहीं आ रहे या फिर कोई और रुकावट आ रही है, तो उनके चलते जो ना भी ये नुकसान रूप में जो ना नुकसान के रूप में शामिल है। घाटे की समीक्षा के बाद इन्हें आप लोग इसे संशोधित कर 1,005 करोड़ 10 लाख रुपये कर दिया गया है भाई। और कंपनी ने दावा किया है कि कंपनी ने दावा की गई और प्राप्त बीमा राशि के बारे में कहा, अंतिम निष्पादन यानी कि जो इसका एग्जीक्यूशन है उसके अनुसार यह अनुसार बदल सकता है भाई। और बीमा कंपनी द्वारा एनएचपीसी को संवितरण के लिए 150 करोड़ रुपए का आंशिक भुगतान स्वीकृत किया गया है, 150 करोड़ रुपए का देखो भैया जो भी भुगतान है वो कर दिया गया है जो बीमा कंपनी है।
और बीमाकर्ता द्वारा इसे जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये टोटल अपडेट सभी तीनों परियोजनाओं के बारे में कंपनी ने यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे दी है। एक परियोजना जो आप लोग तीस्ता परियोजना भी वहाँ पर 788 करोड़ रुपए तक का जो नुकसान है वो होने की संभावना है और उसके लिए आप लोग देखोगे भी इन्हें क्लेम भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये तो देखो भाई जो रुकावट आ रही है प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में या फिर कहीं पर कुछ भी लगा लीजिए कंपनी को तैयार करने के लिए, लेकिन आगे से प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए फिर स्टार्टिंग करने के लिए जो रुकावट आ रही है उसका जो क्या बोलते भी अनुमान लगाया गया कि 491 करोड़ तक का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये टोटल अपडेट्स है अभी। तो इस अपडेट के बाद आप लोग देखो स्टॉक के ऊपर कैसा इफेक्ट रहेगा वो कल पता चलेगा। तो चलिए इसका चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी एनएचपीसी के अंदर एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आया जो कि 103 रुपए का अभी स्टॉक इसके ऊपर में अभी के टाइम है। ये पहला सपोर्ट रहेगा, अभी दूसरा सपोर्ट रहेगा इसका नीचे में लगभग आप लोग देखोगे 100 रुपए का, 103 और 100 रुपए का दो सपोर्ट है और इसके चांस रहेंगे अभी 109 का पहला टारगेट हमारा यहाँ पर आ सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होकर स्टॉक सस्टेन करता है तो ऊपर में आप लोग देखोगे 125 से 150 तक के मूव हमें देखने को मिल सकती है इलेक्शन रिजल्ट के बाद, अगर स्टेबल गवर्नमेंट फिर से आती है अच्छे बहुमत के साथ तो, ठीक है, अच्छे परिणामों के साथ आती है तो ये आप लोग देखो मुमकिन है कि जो स्टॉक है 125 से 150 तक के मूव हमें दिखा सकते हैं। उससे पहले अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो 103 रुपये और एक लगभग 100 रुपये, दो सपोर्ट है ना, 100 रुपये के सपोर्ट के साथ आप लोग आगे के लिए ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।